यूट्यूब चैनल प्रयाग पॉइंट। दोस्तों यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है यहां पर, और ये अपडेट्स आप सभी लोगों के लिए है कि जो इस वर्ष में यानी कि इस सत्र के जो छात्र छात्राएँ एडमिशन लेना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनके लिए जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महंगी कर दी गई है। और यहाँ पर सभी कोर्सेज़ के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी और एलएलबी, यहाँ तक कि बीटेक के कोर्सेज़ की भी फीस यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे किस कोर्स की कितनी फ़ीस हो चुकी है और पहले कितनी थी, और हॉस्टल की भी फ़ीस यहाँ पर महंगी कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट की ओर से कोई नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से, यहाँ से कुछ इसमें से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं न्यूज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूजी पीजी की पढ़ाई संग हॉस्टल भी महंगा। तो इसका मतलब क्या है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो इसकी जो फीस है वो पहले कितनी थी और अब क्या है उसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक, परा स्नातक और पीएचडी में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई और हॉस्टल में रहना अब महंगा होगा। नए सत्र से स्नातक, परा स्नातक और पीएचडी के साथ ही हॉस्टल की फीस में भी इजाफा करने का निर्णय शनिवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में लिया गया। ये शनिवार को नोटिस जारी हुआ दोस्तों। तो मैंने संडे को एक वीडियो बनाया था और उसमें काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और कई सारे दोस्तों ने कमेंट और मैसेज करके बताया सर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। तो मैंने सोचा कि इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके ही क्यों ना बता दिया जाए, जो आपके डाउट हैं यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। उसके आगे देखते हैं हम लोग, जो पीआरओ डॉक्टर जया कपूर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की फीस में कई दशक से नहीं बदली गई है। 1912 से विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस मात्र 12 रुपये है। सरकार का अब इस बात पर जोर है कि विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से खुद आय अर्जित करें। विश्वविद्यालय की ग्रांट्स में कमी कर दी गई है, इसीलिए मौजूदा फीस ढांचा पुनरुच्छेद किया गया है। सभी रेगुलर यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेज की फीस दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की फीस के बराबर ही बढ़ाई गई है। वहीं सूत्रों ने फीस में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि विश्वविद्यालय के हॉस्टल की दशा ठीक नहीं है और उनके रख रखाव और अवैध छात्रों को हटाने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय के पास इस समय 20 हॉस्टल हैं। हिंदू हॉस्टल को अभी शामिल किया गया है। इन हॉस्टलों की फीस बढ़ाना जरूरी है ताकि हॉस्टल का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। नए सत्र से हॉस्टल में प्रवेश लेने वाले छात्रों की फीस की बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर जो है कि शुल्क का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले कितनी फ़ीस थी बीए की, यहाँ पर पहले फ़ीस जो मेंशन की गई थी वो वर्तमान जो फीस है वो 975 रुपये थी। अब यहाँ पर इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 3,701 रुपये। बीकॉम की भी 975 थी, इसको बढ़ाकर कर दिया जाएगा 3,901 रुपये। वहीं बीए की जो प्रयोगात्मक विषय हैं उनकी जो फीस है 1,125 थी, उसको बढ़ाकर 3,951 रुपये कर दिया गया है। वहीं बीएससी की जो फीस है अभी तक 1,125 थी, इसको बढ़ाकर 4,151 रुपये कर दिया गया है। इतना इजाफा देखने के लिए मिल रहा है, आपको देख सकते हैं लगभग 2 से 3 गुना तक फीस यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। एमए एमएससी में देख लीजिए, एमए एमएससी की फ़ीस जो है लगभग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दी गई है। तो इसकी फीस यहाँ इतनी थी और इसको बढ़ा करके लगभग 4,500 से 6,000 तक कर दिया गया है। वहीं एलएलबी की फ़ीस 1,375 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 4,651 रुपये कर दिया गया। तो ये जो है इस वर्ष से जो सीयूटी एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सीयूटी एग्ज़ाम हो रहा है आपका, इसके थ्रू अब जो एडमिशन होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उसकी फ़ीस है ये, ठीक है। लेकिन अभी तक इसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनकी ओर से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ कि उनकी फ़ीस में इजाफा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उस पर कोई अभी, जैसे कि सीएमपी डिग्री कॉलेज, इन सारे कॉलेजों में अभी कोई भी इसकी नोटिस नहीं आई है। अगर कोई भी नोटिस आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।
और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हॉस्टल हैं उनकी भी फ़ीस बढ़ाई जाएगी, हॉस्टल का जो देख रेख है, रख रखाव, उसको भी कुछ सुधार उसमें किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें जानकारी मिल चुके हैं। इसी तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो एफिलेटेड कॉलेज हैं लाइक CMP डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, इन सभी की अपडेट्स एंड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।